आप ये क्या कह रहे हैं? फाखर और मेरे बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? अगर हम लेट हो गए तो आप मीटिंग डिले कर लेते, हमारे कुछ इंतज़ार कर लेते, पोस्टपोन कर लेते, बता देते। सब बहुत ही तरीके से आपने इस मामले को संभाला है। मैं तो परेशान हो रहा था कि मैडम ने वक्त पर पहुंच जाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, ये डील मुझे ही करनी थी। अवीफ साहब, मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। इस तरह के और काम भी अभी आने हैं। रानी, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठा। मैडम, मैडम आप, मैडम मेरा सुबह से फोन प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पा रहा। तरीका नहीं है, मीटिंग कहाँ है, वो लोग कर लेते हैं जल्दी से। भाभी, वो मीटिंग हो चुकी है, वो लोग चले गए हैं। क्या मीटिंग हो गई? भी आप ये क्या कह रहे हैं? फाखर और मेरे बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? अगर हम लेट हो गए तो आप मीटिंग डिले कर लेते, हमारे कुछ इंतज़ार कर लेते, पोस्टपोन कर लेते, बता देते। अभी ये बिजनेस है, बिजनेस के मामलात ऐसे नहीं चलते। क्लाइंट को इतना वेट नहीं कराया जा सकता, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। मैडम, हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, फिर हमने मीटिंग अटेंड कर ली। क्या डील फाइनल हुई है? भाभी, डील हो गई है, डील हो गई, बस अब एक मसला है। अब ऑर्डर इस दफ़ा तवक्को से कम मिला है। कम मिला है? ये कैसे हो सकता है? मेरी उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारे का सारा ऑर्डर वो हमें ही देंगे, कम कैसे हो सकता है? भाभी, अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, इस बात की गारंटी है कि अब जो अगला ऑर्डर आएगा वो बड़ा बड़ा ऑर्डर आएगा। सारे जितनी भी डिटेल्स हैं, फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूंगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब भी ऑर्डर के जितने भी मामलात हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा।